हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल यूट्यूबर परिजयसार पर। तो चलिए, गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है तो मैं आपसे दो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये है गोंद कतीरा, जिसको मैंने भिगो कर रख दिया था पानी में और ये फूल कर ऐसे हो गया है। इसको हम ये पहले भिगोएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो चीज़ चाहिए वो है चीनी, उसके बाद है नमक, काली मिर्च और नींबू का रस, और हमें चाहिए थोड़ा सा पानी। ये नॉर्मल पानी है, इसमें हम डालेंगे चीनी। चीनी को मैंने पीस लिया है ताकि जो हमारी जो चीनी है वो अच्छी से घुल जाएगी और इसको टाइम भी नहीं लगेगा। उसके बाद हम डालेंगे इसमें नमक, उसके बाद हम डालेंगे इसमें काली मिर्च और नींबू का रस। इसकी जो क्वांटिटी है वो अपनी आप अपनी इच्छा के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैं एक गिलास जो नींबू है, पानी है, वो बनाने जा रही हूँ। उसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से कर लेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच गोंद कतीरा। ये गर्मियों में ज़्यादातर पिया जाता है, जिससे जो बॉडी में हमारे जो गर्मी है वो बाहर निकल जाती है। नींबू पानी हम जैसे बनाते हैं उसमें हम गोंद कतीरा डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ठंडा पानी और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे कुछ बर्फ के टुकड़े। तो लीजिए, ये आपका शरबत तैयार है गोंद कतीरे वाला। तो दूसरी रेसिपी है, इसके लिए हमें पहले, जैसे हमने बताया कि आपने गोंद कतीरे को अगर पानी में भिगो के रखा हुआ है तो ऐसे ही हमें ये गोंद कतीरा चाहिए। ये रेसिपी आप कभी भी बना सकते हैं। अगर आपने गोंद कतीरे को पहले भिगो के रखा हुआ है उसको आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमें चाहिए पहले गोंद कतीरा, उसके बाद हमें पीसी हुई चीनी और ठंडा दूध, कुछ बर्फ के टुकड़े। तो इसी ऐसे ही हमने पहले थोड़ा सा पानी लिया है। दूध हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि जैसे हमें दूध ठंडा चाहिए तो वो जो चीनी है वो जल्दी से मेल्ट नहीं होती उसमें, तो हम थोड़ा सा पानी लेके उसमें पहले हम चीनी डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच गोंद कतीरा। आपको जब भी प्यास लगे आप ये दूध वाली या पानी वाली गोंद कतीरा का पेय बनाकर इसको पी सकते हैं। ये ठंडा दूध हमने इसमें डाल दिया। फ्लेवर के लिए आप इसमें कोई भी, जैसे रूह अफ़ज़ा है या कोई और शेक है, वो आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे बर्फ और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, आपके साथ मैंने अपनी दोनों रेसिपी शेयर कर ली हैं। गर्मी के मौसम में आप इसे अपने घर में बनाएं और जब जी चाहे पीजिए। तो फ्रेंड्स, बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।